हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल्टकॉइन रिव्यूज। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है जनरल डिस्कशन एंड अपडेट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज के दिन मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। प्राइस एनालिसिस की वीडियो जो मैं रोज़ बनाता हूँ वो भी मैंने बनाई है। इसके अलावा मैंने ऑल इन वन अपडेट्स भी बनाई है। एक मैंने वीकली समरी बनाई है पिछले पूरे हफ्ते की, हफ्ते से लेकर आज जुम्मे तक। इंग्लिश में भी बनाई है, उर्दू में भी बनाई है। तो ये वीडियो देखने से पहले वो उर्दू वाली वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि उर्दू आप लोगों को समझ आती है, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिए। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी बताई है, अपडेट्स बताई है, जिससे आप लोगों को काफ़ी हौसला मिलेगा। और ये जो प्राइस गिर रही है इसके बारे में भी मैंने काफ़ी उसके अंदर अपडेट्स दी हैं। तो वो मेरी जो वीकली समरी है वो लाजमी देखें, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। मैंने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स दिए, जो पूरे हफ्ते के बीच में अपडेट्स हुई हैं वो सारी मैंने उस वीडियो में दी है। अब ये जनरल डिस्कशन एंड अपडेट्स की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की तारीख है 17 मई 2019, जुम्मे का बाबरकत दिन, और आज 11 रोज़े पूरे हो गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और कल 12वां रोज़ा है। पता भी नहीं चला 10 रोज़े, पहला अशरा ख़त्म हो गया तो अब दूसरा अशरा शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह इसी तरह रमज़ान अच्छी तरह निकले और फिर हम ईद की खुशियां मनाएं। और उम्मीद करते हैं कि ईद की खुशियों से पहले पहले हम आर्बिट्रेजिंग की प्राइस के ऊपर जाने की भी खुशियां मनाएं। इंशाल्लाह ये 10 सेंट, 20 सेंट और 50 सेंट और $1 को भी देखे ईद से पहले पहले इंशाल्लाह। सबसे पहले आपको ले चलता हूँ वॉल्ट की तरफ, वॉल्ट की जानिब, जो असल उर्दू में बोलते हैं। तो वॉल्ट में आज खैर इतनी खास इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुई है, वही 29,48,000 के पास पास है। सॉरी 2,00,000 बोल रहा था आज, बस दिमाग थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हुआ हूँ। 29,48,080 कॉइन्स हैं वर्ल्ड के अंदर। ये तकरीबन 29,50,000 क्रॉस कर गए थे परसों, लेकिन ये एक तो आर्क कॉइन गिरने की वजह से, दूसरा इथेरियम प्राइस चढ़ने की वजह से ये वॉल्ट में से कुछ लोगों ने कुछ पॉइंट्स निकाल दिए थे, जिसकी वजह से ये वापसी 29,50,000 से नीचे होकर 29,45,000 तक आ गया था। फिर कल ये तकरीबन 46,000 तक गया और आज तकरीबन वापसी 48,000 तक आ गया है। उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते के इख्तिताम से पहले पहले हम वॉल्ट को 30,00,000 पर इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में ये डेफिनेटली 30,00,000 क्रॉस कर जाएगा, जो मुझे उम्मीद है वो हो जाएगा। इसके अलावा हम वॉल्ट के अंदर कुछ खास ज़्यादा अपडेट नहीं है। मैं 30,00,000 क्रॉस करने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं एक स्पेशल वीडियो वॉल्ट के ऊपर बना सकूँ, जिसमें मैं आपको प्रॉपर वॉल्ट की अपडेट्स और वॉल्ट के एडवांटेजेस वगैरह बता सकूँ, लेकिन वो खैर 30,00,000 क्रॉस ही नहीं हो रहा। पिछले 4 दिन से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि 30,00,000 क्रॉस हो तो मैं फिर वीडियो बनाऊँ, ताकि उस वीडियो का फिर मकसद होगा कि उसको एक अच्छा प्रॉपर तरीके से बताऊँगा, क्योंकि दिखा सकूँगा कि देखें 30,00,000 कॉइन्स इस वक्त वॉल्ट में पड़े हुए हैं, आपके ऐड करने का क्या एडवांटेज होगा। ट्रेड प्रो के अंदर चलते हैं, वॉल्ट की वीडियो को खैर साइड में करते हैं, जब 30,00,000 क्रॉस होंगे तो उसके ऊपर फिर बात करेंगे ज़्यादा, क्योंकि अभी बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब स्पेशल वीडियो बनानी है तो आज इस वीडियो में उसको टाइम ज़्यादा देने का फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा अगर ट्रेड प्रो में आपको दिखाता चलूँ, 61,198 मतलब तकरीबन 61,200 पे ये पहुंच चुका है। कल ये 60,030 पे था, आज ये 61,200 पे, मतलब तकरीबन 1,100-1,200 के करीब ट्रेड्स हुई हैं आज वो इसमें ट्रेड प्रो के अंदर, जो कि देख के मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज ट्रेड प्रो को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अगर आप देखेंगे इथेरियम का प्राइस और बिटकॉइन का प्राइस आज काफ़ी गिरा है। लेट मी शो यू, इधर ये बहुत छोटा है, इधर आपको नज़र नहीं आएगा सही से, मैं कॉइन मार्केट कैप पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें $7,072 पे आ गया है प्राइस ऑफ बिटकॉइन और $228 पे आ गया है प्राइस ऑफ इथेरियम। पूरी मार्केट आज डाउन है, ये देखें 14%, 13%, 12%, 10%, 15%, ये देखें सब डाउन पड़ा हुआ है। आज कोई कॉइन अप नहीं है, जो कोई अप है वो बड़ा छोटी सप्लाई वाला, छोटे वॉल्यूम वाला कॉइन होगा, वरना तो मोस्टली कॉइन डाउन है। कोई एक बहुत अच्छा है जो परफॉर्म कर गया, या किसी के अंदर कोई न्यूज चल रही होगी तो वो अलग बात है, वरना तो आज सारा कॉइन के चार्ट देखें आप नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है ना। उसका रीजन यही है कि ये मार्केट करेक्शन टाइम है। मार्केट जब बहुत तेज ऊपर की तरफ मूव करती है तो करेक्शन लाजमी करती है, और वही करेक्शन मार्केट इस वक्त कर रही है।
बस अब देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट का ऊंट किस करवट बैठता है। लग यही रहा है कि थोड़ा सा और नीचे 6500 वाली रेंज में शायद जाएगा, उसके बाद ये फिर ऊपर चढ़ना शुरू होगा। देखते हैं फर्दर क्या अपडेट्स आती है मार्केट की, उसके बाद हम आगे अपना डिसाइड करेंगे क्या करना है। अगर ये 6500 तक आया तो इथेरियम तकरीबन $200 तक आ जाएगा, और उसके बाद जो आर्ब का प्राइस है वो यहाँ यूएसडी ये जीडब्ल्यूईआई के अंदर तो आर्ब का प्राइस 225 से नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे पे बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है 225 पे, तो वो 225 से नीचे नहीं जा रहा। लेकिन यूएसडी के अंदर प्राइस काफी अफेक्ट करेगा अगर इथेरियम $200 या उससे नीचे आता है तो फिर ये यूएसडी में तकरीबन वही 4-4.5 सेंट पे आ जाएगा जहाँ पिछली बार था, तो वो एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इथेरियम का प्राइस एटलीस्ट 250 से ऊपर जाए, जल्दी $300 तक जाए, ताकि एटलीस्ट यूएसडी में हम आर्ब का प्राइस अच्छा देख सकें, क्योंकि इस वक्त ये गिर रहा है, ये भी अगर गिर गया तो काफी बुरा एक इम्पैक्ट होगा। एक और चीज हम जिसका एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि डेविड जल्दी से वापसी आके कोई बड़ी न्यूज अपडेट हमें दें, ताकि उससे भी आपकी प्राइस पे इम्पैक्ट पड़े और आपका प्राइस ऊपर जाना शुरू हो, क्योंकि एक न्यूज की मार है। एक न्यूज अगर बड़ी आ गई ना तो देखें आपको पता भी नहीं होगा कि आर्ब का प्राइस गया किधर है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल है ही नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग कोई रेजिस्टेंस है नहीं। जब ये ऊपर चढ़ना शुरू होगा तो नजर भी कहाँ गया है। तो बस यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त वही बंदा फायदा कमाएगा जो सबर रखेगा। देख ले, पिछले एक हफ्ते से वीडियो बना रहा हूँ, एक कॉइन नहीं सेल किया। मैं दिखाता हूँ आपको एक्सचेंज में, लोग कहते हैं वीडियो बना के हमें बोलता रहता है, खुद सेल करता रहता है। आप ये चेक करें, ये सारी वॉल्स मैंने प्लेस की थी ये कैंसिल हुई है, सेल नहीं किया मैंने कोई भी, ठीक है, ये सब कैंसिल। ये लास्ट मैंने जो सेल किया है ना 320 पे, जब मैंने आपको बता के सेल किए थे कि मजबूरी है तब बेच रहा हूँ, वो मैंने 4 तारीख को किए थे, ठीक है ना, और आज 17 तारीख है, ठीक है, तो लगा लें तकरीबन 13 दिन, 2 हफ्ते होने को आ गए, मैंने एक कॉइन नहीं सेल किया, एक कॉइन, ठीक है। सो दैट्स व्हाट पेशेंस इज, ठीक है, इसको कहते हैं सबर। और मैं 100% अपने अल्लाह से पुर उम्मीद हूँ कि ये सबर का फल लाजमी मीठा मिलना है, ठीक है, क्योंकि अभी अगर सबर कर लेंगे ना, मुझे पता है आप बोल रहे होंगे 320 पे सेल किया था, उसके बाद 350 पे भी गया, 400 पे भी गया, वहां सेल कर देते, यहाँ के वापसी ले लेते। हाँ कर सकते थे, लेकिन बस दिल नहीं मानता, नजर आ रहा था कि वापसी गिर सकता है, सेल कर दी। मैंने वॉल भी प्लेस की थी लेकिन वो उस वॉल तक गया नहीं था जहां मैंने प्लेस की थी, ठीक है, तो अगर करते तो अच्छी बात होती, नीचे आके वापसी ले लेते, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बस अभी होल्डिंग पे ही बैठे रहे, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। अब जो न्यूज आएगी ना उसके बाद मुझे उम्मीद है कि प्राइस काफी अच्छा रिएक्ट करेगा। इसके अलावा एक विड्रॉवल का इशू है, जो लोग ज्यादातर लोगों को वही मसले मसाइल पेश हो रहे हैं कि विड्रॉवल नहीं आ रहा आर्ब कॉइन का। अब मैं आप लोगों को हर वीडियो, पिछली 3 वीडियो में मैं यही चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सबर सबर रखें, डेविड को वापसी आ जाने दें, विड्रॉवल भी आ जाएंगे। ऑक्शंस आपको दिखा देता हूँ, ऑक्शंस के अंदर आज भी कोई ऑक्शन शायद अवेलेबल नहीं है, लेट मी रिफ्रेश द पेज अगेन, नहीं ऑक्शन के अंदर भी आज कोई ऑक्शन अवेलेबल नहीं है। तो बस आज ये, वैसे भी अब जुम्मा है, ठीक है ना, तो कल हफ्ता और इतवार, ये 2 दिन तो मुझे लग रहा है अगर कोई न्यूज नहीं आएगी तो मार्केट तकरीबन इतने ही वॉल्यूम पे रहेगी, या मे बी इससे भी नीचे आए 50 वॉल्यूम पे। तो अगर कल और परसों कोई न्यूज नहीं हुई ना तो मैं फिर अपनी प्राइस एनालिसिस, ऑल इन वन अपडेट्स और जनरल डिस्कशन ऑन अपडेट्स की वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं एफएक्यूज की कुछ वीडियो बना के शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, एफएक्यूज की मैंने सोचा हुआ है, वो ट्रेड ब्रो के मैंने आई थिंक 3 पार्ट अपलोड किए हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके अगले 3 पार्ट जो है ना वो बना के अपलोड कर दूंगा अगले 2 दिनों में, ताकि अगर कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी मार्केट में, ज्यादा अपडेट्स नहीं होंगी, तो मैक्सिमम एक प्राइस एनालिसिस बना लूंगा, उसमें ऑल इन वन अपडेट्स भी कवर कर लूंगा, उसके अंदर जनरल डिस्कशन एंड अपडेट्स भी कवर कर लूंगा। लेकिन मैं फिर ये 2 वीडियोस नहीं बनाऊंगा अगर अपडेट्स नहीं हुई तो। अगर कोई खास अपडेट हुई, खास ऐसी चीज हुई जो आप लोगों के साथ शेयर करनी जरूरी है, तो फिर मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वरना मैं ना सोच रहा हूँ कि अगले 2 दिन जो वीकेंड्स हैं उस पे कोशिश करूँ कि कुछ FAQs की सीरीज बना लूँ, कुछ 4-5 वीडियो FAQs पे बना के अपलोड कर दूँ, ताकि FAQs बस एंड ही है, वॉल्ट हो गया, सॉरी ये ट्रेड ब्रो के बाद एक वॉल्ट है, फिर वॉलेट्स है, बस उसके अलावा और कोई FAQs नहीं है खास।
तो मैं सोच रहा हूँ कि बस एक बार दिखाई देता हूँ आप लोगों को भी, जरा ये खुल जाए पेज तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बस ये है कि FAQs तो खत्म, ये ट्रेड प्रो के बेसिक्स है, ठीक है ना। फिर वॉल्ट है, वॉलेट है और विड्रॉवल है। तो ये तीन कैटेगरीज रह जाएंगी। ये एक्सचेंजेस वाला तो मैं बाद में कभी बनाऊंगा जब प्रॉपर मुझे टाइम मिलेगा, तो क्योंकि ये काफी लॉन्ग है, इसको काफी टाइम लगेगा। तो ये वॉल्ट, वॉलेट और विड्रॉवल जो है ना, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये वीकेंड्स के अंदर इनके ऊपर थोड़ा सा काम करूँ और दो दो तीन तीन वीडियो बना के अपलोड करूँ, तो आप लोगों को एटलीस्ट FAQ का एक सेक्शन में खत्म कर दूँ, क्योंकि मैंने सारों पे वीडियो बनाई है, मे बी बीच में कुछ मिस भी हुए हैं। मुझे उर्दू सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी रिक्वेस्ट आ रही है कि वो चाहते हैं कि मैं FAQs की वीडियो उर्दू में भी बनाऊं, तो बस थोड़ा टाइम दें, एक बार इंग्लिश की सीरीज खत्म हो जाए फिर इंशाल्लाह उर्दू में भी बनाएंगे FAQs को, ठीक है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।